स्मॉल टाउन में वजीर आला पंजाब की जेर सदारत मेट्रो बस मंसूबे पर काम की पेशरफ का जायजा लेने के लिए आला सतह का इजलास हुआ, जिसमें चेयरमैन LTC ख्वाजा अहमद हसन, अरकान असम्बली डॉक्टर सईद इलाही, हाफिज मियां मोहम्मद नुमान, मेहर इश्तियाक अहमद, प्रोजेक्ट डायरेक्टर, BRT, मुतलिका सेक्रेटरी, DGLDA समेत मुतलिका अफसरान ने शिरकत की। मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ ने हिदायत की कि मेट्रो बस मंसूबे पर बिला तातुल काम जारी रखा जाए। उन्होंने कहा कि तमाम काम मुकर्रर करदा टाइम लाइन के अंदर मुकम्मल किए जाए। मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ ने DGPHA को हिदायत की कि रूट पर हार्टिकल्चर और लैंडस्केपिंग के लिए जल्द काम शुरू किया जाए। उन्होंने सरकारी जमीन का फ्रॉड करने वाले LDA के मुलाजमीन के खिलाफ सख्त कार्रवाई का हुक्म दिया। सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू से इंक्वायरी रिपोर्ट तलब की। बाद हज़ां वज़ीर आला मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ ने मेट्रो बस प्रोजेक्ट का दौरा भी किया और शहरियों में घुल मिल गए। शहरियों ने रिकॉर्ड तरक्की काम करवाने पर पंजाब हुकूमत के इकदाम को सराहा। इस मौके पर चेयरमैन LTC ख्वाजा अहमद हसन, प्रोजेक्ट डायरेक्टर, BRT, DGLDA और दीगर मुतलिका हुक्काम भी वजीर आला के हमरा थे। वजीर आला पंजाब मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ ने अलसुब बगैर सिक्योरिटी और प्रोटोकॉल योम आशूर के मरकजी रूट का दौरा भी किया। उन्होंने जुलूस के रूट पर फुल प्रूफ सिक्योरिटी इंतजाम का हुक्म दिया।